चंद पैसों को कमाने की खातिर अपनों से दूर हो गए हैं, लेकिन अब भूख प्यास को सहन कर अपनी ही कंपनी में बंद हो गए हैं सैकड़ों भारतीय। दरअसल सऊदी अरब की सात ग्रुप कंपनी, जो कि कुवैत में एक शेख की कंपनी है, उसमें 1000 से भी करीब ज्यादा भारतीय, पाकिस्तानी और श्रीलंका के लोग बंद पड़े हैं, और इन लोगों को पिछले 6 माह से कंपनी ने सैलरी तक नहीं दी। जबकि सैलरी न होने के कारण ये लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। यही नहीं, इन लोगों का 1 माह से आई कार्ड भी रिन्यू नहीं हुआ है, जिसके चलते ये लोग अपनी ही कंपनी में कैद हो चुके हैं, और कंपनी से बाहर अगर ये लोग जाते हैं तो पुलिस इन लोगों को कभी भी हिरासत में ले सकती है। और वे इसलिए कि इन लोगों के पासपोर्ट भी कंपनी के मालिक के पास ही हैं। ऐसे में ना ये तो लोग घर के हैं ना बाहर के, ना तो ये इंडिया वापिस आ सकते हैं और ना ही कहीं बाहर काम कर सकते हैं। ऐसे में भूख प्यास से लड़कर ये लोग अब हड़ताल पर बैठ गए हैं, और इन लोगों का कहना है कि कंपनी से उन्हें पैसे न मिलने पर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें 6 महीने हो गए यहाँ पे, हम घर जाना चाहते हैं, बहुत ही परेशान हैं हमें भी चाहिए कि हमारा टिकट पासपोर्ट सारा हिसाब किताब जितने भी है हमें देखे हमें घर भेजे। बेटे सऊदी अरब में परेशान है तो माँ बाप का यहाँ बुरा हाल है। ऐसे में इन लोगों को अगर कुछ नजर आ रहा है तो वे भारत सरकार की उम्मीद। वहीं यमुनानगर के वीर और सुरेश के सऊदी अरब में फंसे होने के कारण उनके परिवार के लोगों को दिन रात उनकी चिंता सता रही है। परिवार की माने तो उन्होंने काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं है, और ऐसे में वे अपनी ही कंपनी में बंधक हैं। जबकि अब परिवार के लोग सरकार से बात करने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं परिजन दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका बेटा सही सलामत अपने घर वापिस आ जाए। जबकि यमुनानगर के वीर को सऊदी अरब गए तो 10 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे 6 माह से सैलरी प्राप्त न कर सका हो। 6 माह से सैलरी नहीं मिले तो वे परेशान हो गए हैं, और अब उनकी यही मांग है कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय से बात कर उनके फंसे हुए पैसे दिलवाकर उन्हें देश वापस लाए। वहीं खबर ये भी आई है कि हड़ताल के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके शव को तो अस्पताल भिजवा दिया गया, लेकिन उसकी मौत के बाद वहां से फंसे अन्य भारतीय बाहर नहीं निकाले गए। 10 साल तो कम कर रहे ने, जो मैं तकलीफ आ रही है 6 महीने तो उन्होंने सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ मिस कंपनी थी वो बंद की हुई है, और कोई खाने पीने का इंतजाम किसी को कोई मांग के कर रहा है, कोई अपना किस तरह चला रहे ने। बाकी और कंपनी जो आई डी कार्ड है इन्हों का उस बगैर बाहर नहीं जा सकते, वो आई डी कार्ड इन्हों का जो रिन्यू नहीं होगा पासपोर्ट कंपनी के कोल ने उतो आ नहीं सकते। सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इन्हों का कुछ हो सकता है 1200 इंडियन उसे फंसे हुए ने, इन्हों अगर लिया का कोई इन्हें कोई समस्या बना सकते हैं कोई कारण करके 10 साल हो गए ने, तो कोई खर्चा पानी नहीं दे रहे, 10 साल हो गए बाहर गया नु काका परेशान है गए ने, 6 महीने तो कोई रोटी पानी का खर्चा नहीं मिलता पाया, बच्चा कोई काम कार नहीं कर रहे है, तो रोटी तो भी परेशान है, पैसे धेले तो भी परेशान है, इस करके साड़ी सरकार अगर अपील हैगी है जिन्ना भी हो सके 1500 बंदा है इंडिया का, जिन्ना भी हो सके इंडिया बंदे वापस आन, और जिन्हों का खर्चा पानी है उन्होंने देन बोनस है, जिनी बच्चे मेहनत की कमाई की हैगी बच्चे मिलनी चाहिए। वहीं सऊदी अरब में फंसे लोग भारतीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर उन्हें भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में फंसे हुए एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है, और मुंह में कैंसर होने के कारण वे हाथ जोड़कर भारत आने की गुहार लगा रहा है। सात ग्रुप कंपनी है, 4 महीने से मैं बैठा है, मेरे को कैंसर की बीमारी है, न घर भेजता है, न दवा का देता है, न खाने का पैसा देता है, हम इधर मर रहे हैं, प्लीज मोदी जी से अनुरोध है जे हमको हेल्प कीजिए, हमको इंडिया में बुला लीजिए। अब देखना ये होगा कि विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आने के बाद सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को सरकार किस तरीके से छुड़वाती है।